कक्षा 12 की फिजिक्स क्लास में एक बार आप लोगों का स्वागत है फिर से। और कल हम लोग जहाँ पर दो चीज़ें पढ़े थे उसी के आगे आज देखने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी दधु एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी दधु पर कार्य करने वाले बलयुग्म का फार्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था और हम लोगों को यहाँ तक कंडीशन प्राप्त होती टाऊ बराबर पी ई साइन थीटा। ये आप याद रखेंगे, इसकी चर्चा हम कल किए थे, इसको प्रूव भी किया जा चुका है। इसी पर आधारित कुछ इसकी विशेष स्थितियाँ हैं बच्चों, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं आप लोगों के लिए। इसी पर आधारित कुछ विशेष सिचुएशन या विशेष कंडीशन आप बोल सकते हैं जिस पे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, और उसी की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो ये टाऊ बराबर पी ई साइन थीटा आपको याद रखना है, इसको तो नहीं भूल लीजिएगा, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, याद रखिएगा किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत दधु के कारण या वैद्युत दधु पर कार्यरत बलयुग्म का सूत्र जब पूछेगा, तो आप बच्चों स्पष्ट रूप से इस फार्मूले को याद रखिएगा। इसमें बहुत विशेष आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारा सूत्र जो डिजाइन हो रहा है उस सूत्र से हमें क्या मिल रहा है। यानी अगर बल आघूर्ण निकालना है, टाऊ निकालना है या टार्क निकालना है, जो भी आप कहिए, टाऊ निकालना है तो आपके पास पी होना चाहिए, ई होना चाहिए, और जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो क्या दधु या वैद्युत दधु, उससे थीटा कोण उसको पता होना चाहिए। यानी कितने कोण पर वह क्या हो रहा है, अध्यारोपित हो रहा है या कार्य कर रहा है। इस बात को विशेष ध्यान दिए, अध्यारोपित या कार्य करने का मतलब यह है जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी वैद्युत दधु रखा हुआ है, ठीक है, तो वो थीटा कोण पर कुछ इंक्लाइन करके रखा रहेगा, और उसका उस दधु आघूर्ण का जो पी होगा, पी आप जानते हैं वैद्युत दधु कहा जाता है, पी बराबर 2QL, उसका मान दिया रहेगा, और ई एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया रहेगा, और आप थीटा भी दिया रहेगा, और आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। बच्चों अगर पी बराबर हम देखें तो पी बराबर क्या होता है, ये ध्यान देंगे 2QL। 2QL का मतलब आप जान रहे हैं, बताया जा चुका है 2L क्या है, अल्पतम दूरी है किसी वैद्युत दधु के लिए, क्यू चार्ज है उसका। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, अगर इसका डायरेक्ट मान दिया है न्यूमेरिकल में, देखिए जब हम कॉन्सेप्ट को प्रूफ कर लेते हैं तो उसी पर अगर एक न्यूमेरिकल हमारा अगर कर लिया जाए तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है, सिद्धांत एकदम दिमाग में आ जाता है। तो बच्चों उसका वैद्युत दधु दिया रहेगा, ठीक है, और वो एक समान चुंबक वैद्युत क्षेत्र भी दिया रहेगा थीटा बराबर 60, 30, 45, 90, 180 जो भी दिया रहेगा, उसी पर हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे और एक हमारा जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, लगभग ये बड़ा काम का सिद्धांत है। अब देखिए इसकी विशेष स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति में यह क्या कहता है, विशेष स्थितियां। बच्चों जो नोट्स आपको मिल रही है बराबर, उस नोट्स में, ठीक है, ये सारी चीजें भेजी जा चुकी हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता कम पड़ रही होगी, आप समझते चलिए चीज़ों को, वो अधिक महत्वपूर्ण होगा, और आपके पास जो नोट्स जा रही उससे आप उसको नोट करते चलेंगे और सारी चीज़ें यहाँ पर समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहले केस में हम क्या करते हैं बच्चों, पहले केस में ये देखते हैं थीटा का मान कितना है। ये विशेष स्थितियाँ जब वैद्युत दधु एक समांतर, यानी कहा जाए कि किसी भी, यानी आप कह लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत दधु उसके समांतर रखा हो, समांतर रखने का मतलब यह है कि पहला केस यही कहेगा जब वैद्युत दधु क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के समांतर कैसे रखा हो बच्चों, समांतर होने का मतलब ही है
कि थीटा इज इक्वल टू आप क्या ले लेंगे, जब समांतर होगा तो आप जान रहे हैं थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक। और थीटा बराबर जब जीरो हो जाएगा, स्पष्ट आप याद रखेंगे कि समांतर होने की वैद्युत क्षेत्र जो हमारा है उसकी दिशा में समांतर होने का मतलब यह है कि थीटा बराबर जीरो हो जाए, तो थीटा बराबर जीरो होगा तभी वो समांतर होगा, और जब समांतर हो जाएगा इसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, ऐसे हम ले लेते हैं कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र है ऐसे, इसी के समांतर आप कोई अगर वैद्युत ध्रुव रख दीजिए, देख लीजिए केस को, मान चलिए आपने कहा कि एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज हैं, इनके बीच की अल्पतम दूरी, इनका मध्य बिंदु ले लीजिए और आप कह दीजिए ये एल है, ये एल है, इस पूरे को आप टू एल मानते ही हैं, जब इसके समांतर है तो इस रेखा और इस रेखा, इस रेखा और इसी रेखा के बीच का कोण आप देखिए तो थीटा बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो थीटा बराबर अगर जीरो रख दिया जाए तो टाऊ का मान क्या मिलेगा, आप देखिए टाऊ बराबर आपको प्राप्त होगा पी, पी तो पी ही है, ई आप जान रहे हैं, और साइन थीटा अर्थात साइन जीरो, और साइन जीरो का मान बच्चों आप जानते हैं जीरो होता है, अर्थात इससे एक निष्कर्ष क्या निकलता है, जो निष्कर्ष निकल रहा है उस निष्कर्ष को जानना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष क्या कहेगा ये ध्यान दीजिए, इसका निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत ध्रुव अगर उस वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तो उस पर कार्य करने वाला क्या टाऊ या बल युग्म का आघूर्ण, टाऊ जो होता है उसका मान शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, टाऊ बराबर क्या प्राप्त हुआ, जीरो। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी प्रकार से हम अगर समांतर देखें तो समांतर और क्षेत्र की दिशा में था, स्पष्ट समझ में आया, यानी कहने का मतलब यह है मेरा पहला केस कह रहा है जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, समांतर होने का मतलब समांतर हो और उसी दिशा में हो तभी तो एक केस जीरो दे रहा है। उसी दिशा में होने का मतलब क्या है, उसी डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन का मतलब यह है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र ऐसे था इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। अगर दूसरा केस यदि का हम जस्ट इसका अपोजिट कर दें, जस्ट इसका अपोजिट करने का मतलब है कि अगर इसी को हम घुमा के 180 अंश कर दें, अर्थात कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र हम ले लें, ऐसे ही मान के लिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है और जो हमारा ध्रुव वैद्युत ध्रुव था इसको हमने क्या किया, इसको घुमा दिया 180 अंश, यहाँ से घुमाया फिर इस तरह अपोजिट दिशा में कर दिया, यानी जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, क्या हो बच्चों, समांतर हो और दिशा इसकी क्या हो, विपरीत दिशा में हो, कौन सी दिशा में हो, विपरीत दिशा में दिया रहेगा, एकदम स्पष्ट आप याद रखेंगे विपरीत दिशा में, तब आप क्या करेंगे बच्चों, बोर्ड का एग्जाम बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एक एक बिंदु पेपर को बड़े अच्छे सावधानी से पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छा नंबर आप गेन करेंगे, लेकिन हाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तैयारी अच्छे से करते रहेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति का समान अधिकार है शिक्षा पर, जो जिसका जितना इच्छा कहे पढ़ना चाहे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति आगे जा सकता है, जरूरी नहीं कि सबको समझ में ही आ जाए, अगर सब लोग समझदार ही हो जाएंगे तो मूर्ख भी कुछ लोग बनेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप समझने की पूरी बात याद रखिए हमारी, कि देखिए जब फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो उसके जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जन्म से ही बुद्धिमान माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको 24 आवर ही प्राप्त होता है, उसी 24 घंटे में जो पढ़ लेता है, सबका अपना अपना प्रक्रिया है, ठीक। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो और विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में होने का मतलब यह है कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, 180। अगर थीटा बराबर 180 हो जाए तब हम क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर 180 हो जाए तो टाऊ बराबर देखिए क्या होगा, टाऊ बराबर मिलेगा पी इंटू ई और साइन 180, और साइन 180 का मान अगर हम निकालें तो टाऊ बराबर फिर हमें क्या प्राप्त होगा, साइन 180 का मान बच्चों जीरो होता है, जिनको नहीं पता होगा निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे टेबल से देख लेंगे, टेबल भी आप पढ़ चुके हैं, सबका मान 11th में लिखाया गया है, तो टाऊ बराबर आपको क्या मिलेगा बच्चों, टाऊ बराबर पुनः क्या प्राप्त हो गया, जीरो। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है,
समझते चलिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है नीट उट के लिए, सीपीएमटी के लिए, नीट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन देखिए, पूछ लिया जाता है कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर थीटा के किस मान के लिए बल आघूर्ण का मान आपस में बराबर होता है। देखिए बच्चों कहां से क्वेश्चन कहां गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि कैसे हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न का उत्तर कैसे आता है, दोनों के सामने लिखा हुआ है। पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव अगर रखा हो तो थीटा के किस मान के लिए टाऊ का मान बराबर होगा। अर्थात देखिए दोनों केस में थीटा बराबर 0 तथा थीटा बराबर 180 अंश के लिए किसका मान बराबर होगा, टाऊ का। अर्थात हम स्पष्ट रूप से अगर इसके लिए नोट निकालना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हो और उनके बीच का कोण क्रमशः 0 तथा 180 अंश हो तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर काम करने वाले कौन से का क्या काम कर रहा है, बल आघूर्ण का मान शून्य होता है, अर्थात बराबर भी होता है। टाऊ बराबर 0, टाऊ बराबर 0, शून्य भी होता है और बराबर भी होता है। प्रश्न की जटिलता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक ही बार अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, दो बार पढ़ रहे हैं, तीन बार पढ़ रहे हैं, जितनी बार आप अलग नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाया गया है सिर्फ उसी का रिवीजन करते चलना है, आपका कोर्स बहुत सही समय पर खत्म होगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टाऊ बराबर आपको देखिए क्या मिला, टाऊ बराबर 0, टाऊ बराबर 0। एक और केस इसका बचता है, उस केस को भी हम देख लें तो ये लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा और आगे जो भी सिद्धांत होगा उसकी चर्चा हम अपनी क्लास में करते रहेंगे। बच्चों आप बड़ी सावधानी पूर्वक बड़ी सहजता से इसको तैयार करते चलिए, बस जितना लिखा जा रहा है उतना, क्योंकि देखिए फिजिक्स में लिखने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी आपको कि आपने याद किया वही लिख डाली, डेरिवेशन आता है आसानी से आप लिख लेंगे। याद करिए, समझते चलिए, दोनों काम करते चलिए, बोर्ड के एग्जाम में याद करेंगे तो नंबर अच्छा भी मिल जाता है। कभी कभी परिभाषाएँ कुछ पूछी, लेकिन परिभाषाएँ मुश्किल से 5 या 10 नंबर की आती हैं और 60 नंबर तक आप जान लीजिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं, इसलिए आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा जोर देंगे। हम तो न्यूमेरिकल्स को भी कहते हैं, जो आने वाले होंगे आएंगे, लेकिन डेरिवेशन आता रहेगा तभी न्यूमेरिकल्स आएगा। बच्चों आप जानते हैं कि डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जितना डेरिवेशन आप कर सकते हैं जो कोर्स में है उसी को करते चलिए, देखिए आपका परिणाम अच्छा आएगा। आगे चलिए पॉइंट नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है, जब वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के, क्या हो, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लिखे हैं, एक समान भी आप लिख दीजिएगा क्योंकि एक समान के लिए हम देख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के, एक समान वैद्युत क्षेत्र के, एक समान वैद्युत क्षेत्र के, बच्चों क्या होना चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, क्या हो, लंबवत, यानी तीन ही केस हैं आपके, एक देख रहे हैं विपरीत हो, एक समांतर हो उसी दिशा में हो और एक लंबवत हो। तो टाऊ बराबर हम जानते हैं क्या, पीई साइन थीटा, अच्छे से जानते हैं। अब आप देखिए टाऊ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, थीटा का मान कितना, लंबवत होने का मतलब 90 है, तो साइन 90 का मान आप अच्छे तरीके से जानते हैं 1 होता है, तो टाऊ बराबर पी क्रॉस ई। और इसको हमने लिखा था कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उसका सूत्र वेक्टर फॉर्म में भी हम इसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लंबवत होगा तो सदिश रूप में, ये सदिश रूप ही प्राप्त होता है हमें और टाऊ का अधिकतम मान भी यही है। अगर कोई कहे ये सदिश रूप भी है, याद रखिएगा कभी कभी एक नंबर में दे देता है कि निम्नलिखित में से क्या सही है, लिखा रहेगा टाऊ बराबर पी क्रॉस ई, ठीक, ये दे देता है ऑप्शन में, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, यानी इसको आईएमपी भी आप बना सकते हैं, इसी केस पर कभी कभी क्वेश्चन और इसी केस पर कभी कभी आंकिक प्रश्न देता है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे बच्चों, बड़ी सावधानी से तैयार रखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए
टाउ बराबर आपको मिल गया पी क्रॉस ई, और जब ये मिल गया तो आप देखिए थीटा का मान आपने कितना रखा है 90, और उसके बाद आप ये मिल गया। ऐसे भी पूछा जा सकता थीटा के किस मान के लिए किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत ध्रुव पर कार्य करने वाले क्या बल के आघूर्ण का मान अधिकतम होता है, तो आप सीधा जवाब दे देंगे थीटा के 90 या लंबवत होने के लिए, या कह सकते हैं वैद्युत ध्रुव के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत होने के लिए, याद रखिएगा इस बात को, लंबवत होने के केस में बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, इसको आप साफ साफ इस विशेष स्थिति को समझ लेंगे और आप इसको तैयार रखेंगे, जिससे आगे अब देखिए ये धीरे खत्म हो रहा है, आगे हमें फ्लक्स पढ़ना होगा, फिर गाउस के नियम शुरू हो जाएंगे, दो तीन क्लास में यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी, और एक यूनिट जब खत्म हो जाएगी उसको अच्छे से नोट्स बना के आप तैयार करेंगे। पूरा एक यूनिट जितना नोट्स दे रहे हैं या जितना आपको बताया जा रहा है, अब इसी पर एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर कोई एक क्वेश्चन देखिए दिया हो, इसके फिक्स मान की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ इसका जो क्वेश्चन है उसको दिखाने की बात कर रहे हैं। अगर किसी वैद्युत ध्रुव का मान दिया हो, अब देखिए वैद्युत ध्रुव के लिए P बराबर हमने बताया है क्या होता है बच्चों 2QL, तो आप जानते हैं इसका, देखिए आप अब जब आप न्यूमेरिकल्स लगाने लगेंगे इसके मात्रक को विशेष ध्यान देंगे, तो इसका मात्रक देखिए चार्ज है, इसका मात्रक क्या है कूलाम, और लंबाई है तो मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, क्लियर, मात्रक पर ध्यान दीजिए। और ई बराबर आप जानते हैं क्या होता है बच्चों एफ अपान क्यू, सबको हम आसानी से निकाल के देख लेंगे, एफ अपान क्यू, एफ क्या है बताइए बच्चों बल है, ये क्या है चार्ज है आवेश है कि नहीं, अगर आप निकालते चलिए तो बल आप जानते हैं एम इंटू ए होता है, और ये क्या होता है क्यू बराबर बच्चों आई इंटू टी होता है, आई क्या है टी क्या है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब देखिए अभी हम इसके मात्रक की बात करेंगे या बीमा निकाल लीजिए, चाहे मात्रक दोनों देखिए एक से दूसरा निकाला जाए, इसमें क्या आया कूलाम आया, इसमें क्या है मीटर है, ये किसका मात्रक है वैद्युत, बोलिए वैद्युत ध्रुव का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक फिर क्या मिलेगा। अगर हम मात्रक की बात करें तो देखिए ये क्या है, ये बच्चों है किलोग्राम है कि नहीं है, ये क्या है त्वरण है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप करेंगे कि नहीं करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप देखिए नीचे क्या है, नीचे के लिए आप एम्पियर है, अर्थात आप लिख सकते हैं एम्पियर, ये हम आपको कौन सा मात्रक लिख रहे हैं एमकेएस, इसको लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, एसआई नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पर एसआई देख सकते हैं कूलाम लिखा हुआ है, तो एम्पियर इंटू समय टाइम, अब समय का आप जानते हैं क्या सेकेंड, तो कुल मिला के आप इसका मात्रक देख चुके हैं, ई अगर ई निकालना है तो आप जानते हैं न्यूटन बटे कूलाम, वो एसआई मात्रक था, एसआई मात्रक इंटरनेशनल मात्रक यही ज़्यादा यूज करना है न्यूटन बटे कूलाम, अगर इसको और हमें हल करना है तो हम और आसानी से ऊपर करके हल कर सकते हैं, लेकिन आपको न्यूटन बटे कूलाम देखना है, क्यों, क्योंकि इस बल का मात्रक न्यूटन है और चार्ज क्यू जो है उसका क्या होता है कूलाम होता है। तो अब देखिए हम अभी इस टाऊ के मात्रक की बात का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं टाऊ बराबर एफ इन टू डी से, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमें इसमें देखना है कि किस प्रकार से हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक से प्राप्त कर रहे हैं, उनके मात्रक क्या है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल्स दे देगा मात्रक जरूर लिखा रहेगा, नहीं लिखा है तो आप उसको सबको निकाल लेंगे, मात्रक भी इसकी निकाल लेंगे और बीमा भी निकाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।